एशिया कप 2023 क्रिकेट शेड्यूल, मेजबान देश, टीमें और पिक्चर और ऐसे ही बहुत सारी जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। क्रिकेट एशिया कप 2023 एशिया कप का आयोजन 16वां संस्करण होगा और सभी मैच एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों के रूप में होंगे। एशिया कप 2023 का पहला मैच अस्थायी रूप से 2 सितंबर 2023 को होने वाला था। एशिया कप का आधिकारिक मेजबान देश पाकिस्तान होगा। कहानी और सूत्रों के अनुसार एशिया कप 2023 पाकिस्तान से ऐसे स्थान पर स्थानांतरित होगा जो किसी भी टीम के खिलाफ पक्षपाती नहीं है। एशियाई देशों के बीच क्रिकेट के खेल को बढ़ावा देने के लिए 1983 में एशिया क्रिकेट काउंसिल की स्थापना की गई। भारत के नाम एशिया कप में 7 जीत का रिकॉर्ड है। एशिया कप 2023 क्रिकेट शेड्यूल एफटीपी कार्यक्रम के अनुसार एशिया कप शुक्रवार 1 सितंबर 2023 को पाकिस्तान में शुरू होने की संभावना है। पाकिस्तान अगली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए मेजबान देश होगा जिसे एशिया कप के नाम से जाना जाता है जो सितंबर माह में होना है। पाकिस्तान एशिया कप के आखिरी मैच के लिए मेजबान देश के रूप में काम करेगा जिसमें 12 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच शामिल होंगे। हम सभी जानते हैं कि बीसीसीआई और आईसीसी द्वारा उत्पन्न आय का बड़ा हिस्सा लेता है। यदि भारत एशिया कप में भाग नहीं लेता है तो प्रतियोगिता व्यर्थ है और कोई विजेता नहीं होगा। इसलिए यह संभव है कि भारत और पाकिस्तान को प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति देने के लिए एसीसी टूर्नामेंट को या तो संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा या श्रीलंका में या किसी न्यूट्रल वेन्यू पर किया जाएगा, क्योंकि हाल ही में देखा गया है कि बीसीसीआई और पीसीबी के बीच बहुत ही कंट्रोवर्सी विवाद देखने को मिल रहा है जिसको लेकर यह अटकलें भी लगाई जा रही है कि एशिया कप होगा या नहीं होगा या कितनी टीमें खेलेगी एशिया कप क्रिकेट की टीमें। एशिया कप में भाग लेने वाली टीमें इस प्रकार है: पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, हांगकांग, कुवैत, सिंगापुर। एशिया कप में 50 ओवर के रूप में मैच खेले जाएंगे। 23 अलग अलग मैच होंगे। शीर्ष 5 टीमों भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से पहले ही मुख्य प्रतियोगिता में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। अफगानिस्तान भी मुकाबला करेगी।